दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल विज इफेक्ट्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट से रिलेटेड टेम्पलेट्स के बारे में, जिनका यूज आप इजीली कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसका यूज कैसे करेंगे। ये हमने एक टेम्पलेट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लाइड हमने दी हुई है, ये देखिए, ये एक स्लाइड, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, यानी कि 10 स्लाइड है। अब 10 स्लाइड के बीच में आपने फोटो डालने हैं, और फोटो डालने पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है, हम वेडिंग में जाएंगे और हमारे पास ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। स्टिल फुटेज हैं जो जो कि हम इनको डाल रहे हैं। ये देखिए हम क्या करेंगे, और इस टाइप से मैंने यहाँ पे इनको डाल लिया है। ये देखिए आ गए। यहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, स्टिल, ओके, और यहाँ पे डाल देना है। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपली आपने उठाना है और इस फोल्डर के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे स्टिल वाले में। यहाँ पे आपका आ गया, और उसके बाद में आपके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ आपको रिप्लेस करना है। फर्स्ट स्लाइड आपकी ये है, यहाँ गए, कंट्रोल आल्ट और हैश के साथ में इसको ऐसे कर दिया हमने। स्केल कर लेंगे यहां से, ये देखिए इस टाइप से, थोड़ा सा हम इसको इस टाइप से शूट कर देंगे। आप दबा भी सकते हैं इनको ताकि ये एक प्रॉपर वे में आ जाए। इस टाइप से आ गया। सेकंड स्लाइड लेंगे इसकी, इसको रिप्लेस करने हमने, ये याद रखिएगा हमारी स्लाइड हमेशा हो तो वाइड एंगल में हो, इस टाइप से, इस टाइप से आपकी स्लाइड होनी चाहिए। यहाँ पे गए आप, इसको आपने सिंपली ऐसे उठा के ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, इस टाइप से भी इसके ऊपर डाल के, और कंट्रोल आल्ट एफ आप प्रेस करेंगे तो सिंपल हो जाएगी। नीचे की बैकग्राउंड को आपने इस तरह से बंद कर देना है, ठीक है। तीन नंबर स्लाइड पे गए, यहाँ गए, यहाँ पे जाना है आपने, दूसरी स्लाइड लेनी है अपनी कोई जो डिफरेंट हो, और इसको ऐसे कर देना है, कंट्रोल आल्ट एफ, यानी कि फिट टू विंडो हो जाएगा वो आपका इस टाइप से। उसके बाद चार नंबर स्लाइड पे गए हम, ये वाला, यहाँ पे आपने ये वाला लगाना है, कंट्रोल आल्ट एफ, कंट्रोल आल्ट और स्लैश, कंट्रोल आल्ट और एफ दोस्तों जो होता है फिट टू विंडो के लिए होता है। यहाँ पे हम इसको कर्व भी दे सकते हैं, कर्व, ताकि कलर अगर चेंज करना चाहते हैं आप, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ये RGB रेड देना चाहते हैं तो रेड भी दे सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। वापस हम कंट्रोल जीरो करेंगे और इस पे चले जाएंगे हम। पांच नंबर स्लाइड आपकी, आपकी ये आ गई, कोई भी अच्छा है सिलेक्ट करना है, कंट्रोल आल्ट और हैश के साथ में इसको लेना है, कंट्रोल आल्ट एफ कर देंगे, और इसमें भी कर्व डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये ले लीजिए, रेड किया, इस टाइप से कलर कर सकते हैं आप। व्यू इस टाइप से कर दिया। अब ये आपकी पांच स्लाइड आ गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कमी है, इस टाइप से यहाँ पे पांच स्लाइड हो गई हैं। कंट्रोल जीरो करेंगे आप तो वापस चले जाएंगे। आपने क्या करना है, उसके बाद छह स्लाइड खोलनी है, डबल क्लिक करना है तो ये छह स्लाइड आपकी ओपन हो जाएंगी, ये वाली, इनको भी आपने रिप्लेस करना है तो ये इस टाइप से। आप सात नंबर स्लाइड ले लीजिए, ये हम स्लाइड ले चुके हैं, इस स्लाइड को हम डाल देते हैं इस टाइप से,
फिट टू विंडो कर दिया हमने। 7 नंबर ये लीजिए, ये ऐसे हमने ले लिया इसको, और इस टाइप से आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये रख दिया है, और यहाँ पे सपोज कीजिए दूल्हा और दुल्हन का शॉट रखना है, तो इस टाइप से आप कर लीजिए। ये कुछ कटवेज हैं जो हमने रखे हुए हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद आपकी 8 नंबर स्लाइड आती है, तो 8 नंबर स्लाइड को हम वापस चेंज कर देते हैं कंट्रोल आल्ट और हैश के साथ में, ठीक है। 9 नंबर, ये एक छोटा सा दोस्तों आपका मोन्टाज तैयार हो जाएगा, जिसको हम स्लाइड से पहले भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, हैश के साथ कर देता हूँ इस टाइप से, और इसको इस टाइप से कर दिया मैंने। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको ह्यू कर देंगे, इस पे ले लेता हूँ मैं, और इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। कंट्रोल वाई भी हम कर सकते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है 10 नंबर, 10 नंबर पे कंट्रोल जीरो हम प्रेस करेंगे, और आप कोई भी अच्छा सा स्लाइड, अगर आपके पास में फोटोग्राफ्स वगैरह है तो आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसी में से ही एक अच्छा सा एट्रैक्टिव फोटो दे सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें चाहे हम ह्यू दे सकते हैं या ब्राइटनेस कंट्रास्ट दे सकते हैं। ब्राइटनेस मैं दे रहा हूँ BRI, ब्राइट कर रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप से, इस टाइप से। अब ये आपके फुल मूवी इस टाइप से बन गई है, ये देखिए इफेक्ट आपके आ गए हैं। टेस्ट आ रहा है, टेस्ट को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। कंट्रोल जीरो प्रेस करो, वापस आप यहाँ पे चले गए हो, टाइटल्स हैं, टाइटल्स हमने बंद करने हैं सारे, और ये जितने भी टाइटल हैं मैंने बंद कर दिए हैं। अब मैं इनको यहाँ से बंद कर रहा हूँ स्लाइडों को, और ये आपकी फुल विंडो आ गई है। ये एक टाइटल आपका बचता है अभी भी, ये वाला, ये मैं बंद कर देता हूँ टाइटल। चाहे तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसको भी हम बंद कर देंगे, और अब हम देखते हैं फुल उस पर क्या आएगा आपका। इस टाइप से दोस्तों आपका ये पूरा का पूरा बन के आ गया, रेडीमेड जो होते हैं आपके। पर अब मैं इसकी क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी आउटपुट में निकाल रहा हूँ, ये देखिए। ये बहुत ही जो ना, ये बहुत ही बड़े होते हैं इस टाइप से, ये देखिए एक एक क्लिप हो गई है, क्योंकि इसमें दोस्तों टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ इसलिए इसको करना लोग कम करते हैं। लेकिन जिसको भी आ जाए वो आराम से 50 से 60 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है कॉरपोरेट फिल्म वगैरह वीडियो एडिटिंग करके।
तो आप भी सीखिए इसको दोस्तों, ताकि आप लोगों के काम आ सके ये, है ना। ये देखिए अब क्या करूँगा मैं, कंट्रोल आल्ट और दबा के इसकी आउटपुट ले रहा हूँ। थोड़ा आउटपुट में टाइम लगेगा इसमें। यहाँ से गए हम, इसको मैं डाल रहा हूँ आपका जर्नी में। AVI की जगह मैं इसमें निकाल रहा हूँ इसकी आउटपुट क्विक टाइम। ओके कर दिया, ये मैंने लिया, जर्नी में वापस जा रहा हूँ मैं, और इसको कर रहा हूँ मैं वेडिंग। तो दोस्तों अब ये इसकी आउटपुट आपके सामने आ रही है। थोड़ा आउटपुट में टाइम लगता है, क्योंकि अगर फुल, अभी भी मैं इसको हाफ रेशो पे निकाल रहा हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ फुल पे निकालना। तो यहाँ से आपको हाफ और फुल करना पड़ेगा सबसे पहले, इस टाइप से। वेडिंग कपल वन कर रहा हूं मैं, ताकि आउटपुट के लिए, ताकि इसमें जो ना वेडिंग कपल आता रहे। और आप इसको ये देखिए, अब ये फुल रेशो में, यहां से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला पोर्शन जो है फुल में जा रहा है इसका, यानी कि अब जो भी पोर्शन इसका आउटपुट हम निकालेंगे वो फुल के लिए होगी, HD फॉर्मेट में होगी। और इसको आप इजिली किसी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी को मतलब हाईलाइट बना के दे सकते हैं, किसी शादी की हाईलाइट के तरह से यूज कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का आप यूज सकते हैं। टाइटल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर आपको आफ्टर इफेक्ट की नॉलेज है, क्योंकि दोस्तों आजकल आफ्टर इफेक्ट मस्ट हो गया है। ये देखिए अब इसकी मूवी बन रही है ये। दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है इसमें, और इसकी फाइलें बहुत हैवी होती हैं। इसकी फाइल मैं आपको फ्री में भी डाल दूंगा, ताकि आप उसका यूज कर सकें, विनरार में मैं आपको दूंगा, और आप उसको जो ना डाउनलोड करके और इस टाइप का इफेक्ट बना सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।